जी बोलो ना ना धर्म की जय हो। मैं धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या बंद हो, सच्चे सनातन धर्म की जय हो। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने मात पिता की जय हो, बोलो बाबा चांदू दास की जय हो, बाबा साजा दास की जय हो, बोलो दादा श्री चंद जी महाराज की जय हो। पर्दा खींचो भाई। हाँ जी, हमारे बहुत ही परम आदर लीला रघुवर की लखन शाबाश। और आए जो नर श्री
गिरजा को। शाबाश। ये पावन कथा सुनाते हैं, ये पावन कथा सुनाते हैं, जो सुने प्रेम से रामायण वो भव सागर तर जाते हैं, जो सुने प्रेम से रामायण वो भव सागर से जाते हैं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर्दा खींचो। मैं पृथ्वी हूँ और मैं नदी नाले पहाड़ पर्वत ये सभी इनका वजन सहन कर सकती हूँ, लेकिन दुष्ट रावण है वो दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे देवताओं के पास में चलना चाहिए और गहू का रूप धारण करके चलना चाहिए और देवताओं से अपनी मदद मांगनी चाहिए, मेरी सहायता करेंगे वरना मैं रसाल तल जाऊंगा। शाबाश। थोड़ा ऊंचा बोलो। पर्दा खींच दे। धेनु रूप धारी हृदय बिचारी, धेनु रूप धारी हृदय बिचारी, गए हूँ जहाँ सुर मुनि तहजारी, गए हूँ जहाँ सुर मुनि तहजारी। हेलो। पृथ्वी माता देवताओं से पुकार करती है मंच के माध्यम से, बहुत अच्छा सर कृपया शांति से देखे। शाबाश। प्रणाम। हे देवताओं, पृथ्वी की तरफ से सभी देवताओं को प्रणाम स्वीकार हो। हम सभी पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे देवताओं, हे देवताओं, कहो माता पृथ्वी, मैं नदी नाले पहाड़ पर्वत इन सबका बहुत सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो दुष्ट रावण है वो दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपके पास में आना पड़ा। हे देवताओं, आप मेरी सहायता करो वरना मैं रसातल जाऊंगा। हे पृथ्वी माता, शाबाश। हम सब मिलकर श्री हरि का पूजन करते हैं, हो सकता है वो इन अत्याचारों से हमें छुटकारा दिला दे। ठीक है देवताओं, सभी मिलकर के करते हैं। और निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे सियाराम हरे, निर्मल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे सियाराम हरे, जगदीश हरे सियाराम हरे, जगदीश हरे सियाराम हरे, ओ जगदीश हरे सियाराम हरे, स्वासों के स्वर पुकार रहे जगदीश हरे सियाराम हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे सियाराम हरे, ओ जब दया हरियाती है इस जन्म पे आ
श्री हरि ने कहा कि मैं राजा दशरथ के घर अपने चारों अंशों सहित जन्म लूंगा और इस धरती को पापों से विहीन कर दूंगा। तो हे माता, आप तनिक भी चिंता ना करें और निश्चिंत होकर अपने धाम जाइए। प्रभु सभी के कष्टों का निवारण करेंगे। माता बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अभी आपके सामने उधर राजा दशरथ और सुमंत मंत्री का संवाद। आप सूर्यवंशी महाप्रतापी महाराज दशरथ जी की जय हो। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो मंत्री सुमंत। हे मंत्री सुमंत। कहिए महाराज। कहो, हमारे साम्राज्य में सभी कुशल मंगल तो हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। शाबाश। हाँ महाराज, आपके इस संपूर्ण राज्य में किसी को किसी चीज की भी दिक्कत नहीं है, सब कुशल मंगल से है। हे महाराज, लेकिन इतने खुशहाल राज्य में मैं देख रहा हूँ कि आपके मस्तक पर जो सूर्य का तेज था, आज वो मुरझाया हुआ है। हे महाराज, इसका क्या कारण है? शाबाश। हे मंत्री सुमन। जी महाराज। तुम हमारे मंत्री ही नहीं, तुम हमारे करीबी मित्र भी हो। तुम्हारे से मेरा क्या छुपा हुआ है? हे मंत्री सुमन, मैंने तीन तीन शादियां की, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। यही मेरी एक चिंता का विषय है मंत्री सुमन। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। हे महाराज, आप को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में गुरु वशिष्ठ जी हैं। आप जानते हैं कि वो भूत
भविष्य और वर्तमान के बारे में सभी चीजें जानते हैं, और वैसे भी आप उनसे सलाह मशवरा किए बिना कोई कार्य नहीं करते हो। तो हे महाराज, हमें इसकी सलाह उनसे करनी चाहिए, हो सकता है वो अपना कोई उपाय बता दें। हे मंत्री सुमन, तुम ठीक कहते हो, हमें इसके बारे में जाकर गुरु वशिष्ठ जी से सलाह लेनी चाहिए, हम उनके पास चलते हैं। ठीक है महाराज, पर्दा खींच लो। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी जो समस्या है उसका व्याख्या का गुणगान करते हैं। बहुत ही अच्छा सीन। मेरे आदरणीय माता बहन युवा साथियों, आपसे अनुरोध है, आपके गांव के बच्चे हैं, अगर किसी प्रकार से कलाकार से कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा मांगते हैं। आपको मंच के माध्यम से लगातार 10 दिन बहुत ही अच्छी रामलीला देखने को मिलेगी, कृपया लीला को प्रारंभ करें। धन्यवाद। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। गुरु कह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। प्रणाम गुरुदेव, आनंद करते रहो। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप। हे राजन, ये सूर्य की तरह चमकता हुआ चेहरा और चांद की तरह आज मुरझाया हुआ क्यों है? मुझे आप चिंतित लगते हैं, चिंता का कारण क्या है? हे गुरुदेव, मैं आपको मेरी चिंता का कारण क्या बताऊं? तीन तीन शादियां की, शाबाश खिल जाओ, लेकिन आशा लता हरी ना हुई है, चौथापन आने वाला अब तक स्वर्ण घड़ी ना हुई, ऐसा पेड़ भी क्या पेड़ शाबाश जिस पर कोई फल उत्पन्न ना हो। हे महाराज, है यही चिंता कि हृदय का कमल खिला न हो, कम से कम हो एक पुत्र जो वंश चलाने वाला हो, जो पितरों को तर्पण पूजे मेरा नाम कमाने वाला हो। हे गुरुजी, मेरी यही एक व्यथा है जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, आप ही कोई इसके बारे में कोई उपाय बताएं। हे राजन, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन की तरह लग जाती है, चिंता जिंदे को खाती है और चिता मुर्दे जलाती है। हो जाए पुत्र कुपुत्र यदि मूंग छाती पर दलता है, ये विचार आपका गलत है, पुत्रों से नाम नहीं चलता। क्या ध्रुव पहला दादी ने, क्या ध्रुव पहला दादी का पुत्रों ने नाम चलाया था? नहीं राजन, उन्होंने अपना रस खुद ही फैलाया था। राजन श्रृंगी वशिष्ठ बुला, मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन
उनका मान सम्मान रखने के लिए हमें उनको अवश्य ही बुलाना होगा। हे गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, मैं आपके कहने पर श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाता हूँ। हे मंत्रीवार, कहिए महाराज, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को बुला कर लेकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शाबाश बेटा, प्रणाम सिराज। माइक दे भाई, माइक। आओ सेवक, कहाँ से आए हो, कौन हो? हे ऋषिराज, मैं अयोध्या नगरी से आया, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है। मेरा नाम सुमंत है, आपको महाराज ने दरबार में याद किया है। चलो, अगर ऐसी बात है, महाराज ने मुझे यह अवसर दिया है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए ऋषिराज। चलिए, शाबाश। प्रणाम गुरुदेव। आनंद करते रहो। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो मंत्री सुमन। हे महाराज, श्रृंगी ऋषि जी पधार चुके हैं। क्या श्रृंगी ऋषि जी आ चुके हैं? हाँ महाराज। अरे उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शाबाश। चलिए ऋषिराज, चलिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हे ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। चिरंजी रहो, चढ़ाई रहो, खुश रहो, आनंद करते रहो। हे ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। बैठिए ऋषिराज, बैठिए ऋषिराज। कहिए ऋषिराज, आज आपने मुझे अयोध्या किस लिए याद किया? हे ऋषिराज, हमारे राजा ने आपको इसलिए याद किया है कि आप महलों में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यश यज्ञ कीजिए। आपको इसी कार्य के लिए याद। हे ऋषि वशिष्ठ जी, ये काम तो आप ही जानते थे। शाबाश। लेकिन आपने मेरी बढ़ाई के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। आप सेवकों को हुक्म करें कि वो जो है हमन की सामग्री तैयार करें। नरसिंह, आप यज्ञ हवन की तैयारी कीजिए। हे मंत्री सुमन। कहिए महाराज। आप जाइए और हवन सामग्री लेकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हाँ महाराज। नरसिंह बाबा आइए। ये आपके महल है, अति सुंदर है। आज तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आवतपुरी के दर्शन हुए हैं। हे ऋषिराज, हमें भी आपसे मिले हुए काफी समय हो चुका था। आज हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। आज हम बहुत आनंदित हैं। ठीक है महाराज, हवन की सामग्री मंगवाई जाए। हे ऋषिराज, हवन सामग्री आती ही होगी। ठीक है महाराज, बैठो। हाँ महाराज, मैं अपना हवन है वो आरंभ करता हूँ। ठीक है ऋषिराज। ओ श्री अग्नि देवाय द्यो नमः स्वाहा।
राजन। हे राजन, मैं तीन आहुति दे चुका हूँ, लेकिन अब तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, इसका क्या कारण है? हे मुनिवर, हमारे कुल में रघुनाथ की पूजा होती है, उनके नाम की आहुति डालिए। बहुत अच्छा। ओ पुनम श्री रघुनाथाय धो नमः स्वाहा। ओम श्री रघुनाथाय धो नमः स्वाहा। हे श्रृंगेरी ऋषि जी, शाबाश। हे वशिष्ठ जी, प्रणाम अग्निदेव। आनंद करते रहो। आपने जिस उद्देश्य के लिए यह दिव्य यज्ञ पूर्ण होने को है, इस दिव्य यज्ञ से यह दिव्य खीर बाहर निकली है। हे राजन, प्रणाम अग्निदेव। कल्याण हो। आप ये दिव्य खीर लीजिए और अपनी तीनों रानियों में भाग के योग्य अनुसार बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार पुत्रों का जन्म होगा, जो इस संसार का कल्याण करेंगे। अग्निदेव महाराज की जय हो। जट्टे दरबार की जय हो। हे मंत्रीवार, कहिए महाराज। अरे गुरुजी को और मुनिवर को दान दक्षिणा देकर इनको विदा किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पर्दा खत्म। अभी आपके सामने राजा दशरथ, वहां पर जो गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है अग्नि देवता। आनंद करती रहो प्रिय कौशल्य। हे प्रिय, कहीं स्वामी। हमने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर हमारे महल में पुत्री अष्टि करवाया था और उसमें अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने हमें ये दिव्य खीर दी है। आप तीनों रानियां बाट बाट कर खा लेना, हो सकता है हमारे घर कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है स्वामी। ओके। पर्दा खत्म। भगवान विष्णु का चतुर्मुखी रूप आपका मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। आपसे निवेदन, कृपया करके आपको बहुत ही अच्छे कलाकार रामलीला दिखाएंगे। शांति का परिचय दे। नवम तिथि मधु मास पुनीता, नवम तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस सी तल अस घामा, मध्य दिवस सी तल अस घामा, पावन लोप काल विश्रामा, पावन लोप काल विश्रामा, जा दिन ते हरि गर्भ गया, हमारे बहुत ही परम आदरणीय नरसिंह थोड़े दर आपसे अनुरोध है। अभी थोड़ी देर में राम जन्म होने वाला है, तो हमारे बहुत ही परम आदरणीय रचना महंत उनके कलाकार अगर उपस्थित हुए हैं तो कृपया करके मंच के पीछे लेके आए, समय का अभाव है, लीला प्रारंभ करें। धन्यवाद। बोलो।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सुत महतारी मनहारी अद्भुत रूप सारी भूषण बबिराला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहूँ तो कर जोरी स्तुति तोरी के गीत करमु अनंता माया गुण ज्ञान तीते अमाना वेद पुराण भजन करुणा सुख सागर सब गुण नागर जही गावहि सुति संता सो मम हित लागि जन अनुराग भय प्रगट श्री निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत तीर मत दिन रहे ही भगवान मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं आपकी जय हो जय हो जय हो। हे भगवान आपने ये चतुर्भुजी रूप दिखाया है मेरे महलों में आपकी जय हो जय हो। हे भगवान ब्रह्मा की ब्रह्मांड में भी आपके रोम रोम में बसा हुआ है इनकी वेद शास्त्र भी उपमा नहीं कर सकते आपकी जय हो जय हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि गिन चहे हरि कथा सुहाई बात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजब हुताति ये रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हे देवी मैं आपको आपके पिछले जन्म की कथा बतलाता हूँ। राजा दशरथ मनु नाम के राजा थे और आप उनकी रानी शत्रुपा थी। शाबाश तेज बोल। आप दोनों ने नेमी सान वन में बहुत घोर तपस्या की। तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और आपको वचन दिया। आपने अपने प्रार्थना में वचन में मेरे जैसे पुत्र की मांग की। हे माता मैं तीनों लोकों में घूम आया किंतु अपने जैसा पुत्र कहीं नहीं पाया। इसीलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं आपकी कोख से जन्म लेने जा रहा हूँ। सुनी वचन सुजाना रोहन ठाना ओए बालक सुर भूपा यही चरित जो गावे हरि पद पावे तही न परन भव भूपा। विभगवान आपके इस चतुर्भुजी रूप को देख करके अयोध्यावासी मेरी हंसी करेंगे और मेरे घर के अंदर बाल लीला नहीं हुई है। भगवान मैं तो चाहती हूँ आप मेरे ग्रह के अंदर बाल लीला करके दिखलाइए। प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। ठीक है माता जी अब मैं आपके यहाँ जन्म लेने वाला विपरीत सुत संत हित दीन मनुजी अवतार निरीक्षा निर्मल तने तो माया गुण गोपाल। अभी आपके सामने उधर चतुर्मुखी रूप देखने के बाद राम जन्म राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हो जाता है। तो मंच के माध्यम से आपको बधाई के रूप में बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। करण बेटा तू भी तैयार हो ले। तो सभी से निवेदन है कृपया शांति का परिचय दें और हमारा क्या समाचार आया है। महाराज आज आपको चार चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। अरे हमारे घर चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है।
इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है मंत्री सुमन। हे मंत्री सुमन, जाओ हमारे दरबार में जितने भी गरीब हैं उनको मिठाइयां धन धान देकर उनको खुश किया जाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाए और घरों अपने महलों को सजाया जाए। शाबाश जी महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा महाराज। हे मंत्रीवर जी महाराज, हम ये खुशी का समाचार अपने गुरु वशिष्ठ जी को भी देना चाहते हैं। जी महाराज, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ महाराज। जाओ। ठीक है। ध्यान करें अगर भाई बात का खोलो खोलो खोलो। राजा दशरथ बैठे होते अपने महलों में वापिस चले जाते हैं और आपको मंच के माध्यम से वहां पर खुशियां दिखती हैं। बहुत ही अच्छा सीन है, कृपया ध्यान दें। प्रणाम गुरुदेव। आनंद करते रहो मंत्री और गुरुदेव। आपको महाराज दशरथ ने याद किया? क्या कहा? महाराज दशरथ ने याद किया है? जी महाराज। किसके याद किया है? चलो चलो आइए गुरुदेव आइए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। शाबाश बच्चे, थोड़ी जल्दी करो।
जरूरी नहीं हूँ। अरे तू भी जरूरी है, अरे काम भी जरूरी है। इब तू काम में करिए और मेरे तो दूर ही रहिए। अरे नू क्या करया करे। अरे सुन, आज जमाना आ भरी थी और आज यार उसके बैठगी, ले भाई मनानी पड़ेगी। हमारी भावुति परमादरणीय शांति के सुने माता है बहने युवा साथी।
हमारे बहुत ही परम आदरणीय रचना महंत जिनके अच्छे कलाकार, उन्होंने 11,000 रुपए भगवान की लीला में दान दिए हैं। मैं सभी कमेटी के सदस्य से अनुरोध करता हूं, धर्मवीर जी आप भी मंच पर जाएं, हमारे आदरणीय बंसी पंच आप भी हैं, विराजमान हैं, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं इनको 2100 रुपए और प्रतिमा भेंट देकर इनको सम्मानित करें। कृपया आप मंच पर जाएं, चले जाओ भाई दो चार जल्दी। बहुत ही अच्छी हमारी महंत रचना किसी भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर ये दान देती हैं। हम अपने तीनों गांव की तरफ से और कमेटी की तरफ से इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं सभी यहाँ दर्शकों से जितने भी मौजूद हैं आपसे प्रार्थना करता हूं, फिर जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बहुत ही परम आदरणीय पंच बंसी जो हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं और 1100 रुपए राम जन्म पर लीला पर दान देते हैं, आपका हम अपने तीनों काम की तरफ से कमेटी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि दर्शकों आपको पता है उधर राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हो जाता है और वहां पर राजा दशरथ के द्वारा मंत्री के कहने पर गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है और बहुत ही अच्छा मंच के माध्यम से आपको देखने को अच्छा बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलेगा। शाबाश गौरव तो माइक दे। हेलो हेलो, चलिए गुरुदेव चलिए। शाबाश खुल कर प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो मंत्री सुमन, करता हूं गुरुदेव प्रणाम आपको। भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप। हे गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। कहिए राजन हमें किस लिए याद किया? हे गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे एक पुत्र नहीं चार पुत्रों ने जन्म लिया है, इसलिए मैं एक पुत्र को बुलाता हूं तो चारों दौड़े चले आते हैं, इसलिए इनका अलग अलग से नामकरण कीजिए। गुरुदेव इनके नाम अनेक कोडलस दे दे भाई कोडलस रहे। लेकिन मैं शाबाश अपनी मति के अनुसार इनके नाम अलग अलग रख देता हूं। जो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्री लोक सुपा तो सुख धाम राम असुनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन जो सभी सुखों के धाम है जिनका स्मरण करते ही तीनों लोकों में सुख शांति व समृद्धि आती है, जिसका ऐसे बड़े पुत्र का नाम मैं श्री राम रखता हूं। बोले श्री रामचंद्र की जय। विश्व भरन पोषण कर
हर नाम भरत ऐसे हो ही राजन, जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे पुत्र का नाम मैं भरतलाल रखता हूँ। बोले भरतलाल की जय। जाके सिमरन तेरे मुनासा, शाबाश। जाके सिमरन तेरे मुनासा, ना मैं शत्रु हानू बेदे प्रकाशा, ओ बेदे प्रकाशा, जाके सिमरन तेरे मुनासा। हे राजन, जिसका सिमरन करने से शत्रु का नाश हो जाए, जैसे काम क्रोध मद लोभ, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। बोले शत्रुघ्न लाल की जय। लक्ष्मण धाम सो राम प्रिय, ओ सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते हीरा के हो, लक्ष्मण नाम उदार। सियापत राम चंद्र की जय। हे राजन, जो सभी लक्ष्मणों के धाम है और श्री राम के प्यारे हैं, ऐसे पुत्र का नाम मैं लखनलाल रखता हूँ। बोलिए लक्ष्मण जति की जय। शाबाश। ओ धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ये जप वेद तत्व सुतचारी। हे राजन, ये आपके चार पुत्र नहीं, चार वेदों के चार अंश हैं। हे गुरुजी, हे गुरुदेव, आपने इनका चारों का अलग अलग से नामकरण तो कर दिया है। इन चारों को शस्त्र और शास्त्र की विद्या और दीजिए। ठीक है राजा। पर्दा खींच ले। हे मंत्रीवर, चलो हम अपने महलों में चलते हैं। चलिए महाराज। शाबाश। अभी आपके सामने इको करता थोड़ी और। ए पुत्र राम, कहिए गुरुदेव। वैसे तो आप पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी अपनी मति के अनुसार मैं आपको शास्त्र विद्या सिखलाता हूँ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ए पुत्र, मैं सबसे पहले ध्यान से सुनिए, भाई सुनने की बात है। शाबाश। स्वर व व्यंजन सिखाता हूँ। पहले स्वर बोलिए। ए आ ई ई ई ऊ ऊ ए ऐ औ अं ऐ। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपको व्यंजन सिखाता हूँ, बोलिए। क ख ग घ र ड च छ ज झ ण। शाबाश, बहुत ही अच्छे। अब मैं आपको बारह कड़ी सिखाता हूँ, बोलिए। क का की की कू कू के कई को कव कह। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हे पुत्र, आपने जो शिक्षा सीखी है उसमें आपने कोई श्लोक सीखा होगा, आप कोई श्लोक सुनाइए। बिल्कुल, जैसी आज्ञा गुरुदेव। शाबाश भाई, शाबाश। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुपतश्च सिंह परवेशन्ति मुखे मृगा। हे पुत्र, इसका अर्थ क्या है? अर्थात गुरुदेव, जो कार्य हमें करना होता है उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, बगैर परिश्रम के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग नहीं आता, उसे पकड़ने के लिए सिंह को परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हे पुत्र, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हर प्राणी को
परिश्रम करना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। प्रणाम गुरुदेव। आप बैठिए पुत्र। ए पुत्र भरतलाल जी, गुरुदेव आप भी कोई श्लोक सुनाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। शाबाश। हे पुत्र, इसका अर्थ क्या है? हे गुरुदेव, गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके चरण छूं? हे गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं, इस संसार में गुरु की महिमा का बखान अच्छे से किया गया है, गुरु को महान बताया गया है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बतलाया है। इसी वजह से गुरुदेव, गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। हे पुत्र, आपने गुरु की महिमा के बारे में बहुत अच्छा बतलाया। गुरु ही भगवान से मिलाने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है पुत्र, आप बैठिए। प्रणाम गुरुदेव। आनंद करते रहो। हे पुत्र शत्रुघ्न, आप भी कोई श्लोक सुनाइए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, औरों को शीतल करे अपू शीतल होए। शाबाश। शाबाश पुत्र, आप अति सुंदर श्लोक सुनाते हैं। हे पुत्र लखनलाल, आप भी कोई श्लोक सुनाइए। जी गुरुदेव। जोरदार। करत करत तब व्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत शीलत पर पड़े निशान। है गुरुदेव, जैसा कि भैया श्री राम ने बताया है कि मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए, इसका भी वही अर्थ है। बार बार अगर हम परिश्रम करते रहते हैं तो उस काम में निपुण हो जाते हैं। जैसे रस्सी बार बार शील पर पड़ती रहती है तो चट्टान पर भी निशान गेर देती है। हे पुत्र, आपने बहुत अच्छी बात बतलाई। अगर हम बार बार परिश्रम करते हैं तो उस कार्य में अंत में हमें सफलता अवश्य मिलती है। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र, कहिए गुरुदेव। आपने शास्त्र की विद्या तो ग्रहण कर ली, अब मैं शास्त्र के बारे में आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। शाबाश। हे पुत्र, युद्ध में जाते समय सबसे पहले अपने जो भी हथियार है, तलवार है, धनुष है, जो भी है, उसको अच्छी तरह देखना चाहिए, क्या उसमें कमी तो नहीं। अगर युद्ध में चलाते समय धोखा तो नहीं दे जाएगा, इसलिए सबसे पहले अपने हथियार को ठीक देख करना चाहिए। जैसे क्या गुरुदेव। दूसरा, युद्ध करते समय दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर रखना चाहिए, कहीं धोखे से वार न कर दे। जो क्या गुरुदेव। पुत्र कहिए गुरुदेव। आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आप महलों को जा सकते हैं। हे गुरु महाराज, मेरा भी एक लड़का है, उसको भी पढ़ाओ आप। कहाँ है तुम्हारा लड़का? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, खुश रहो। अभी बुलाती हूँ मेरे लड़के को। अरे बेटा वीर सिंह, हाँ जल्दी आ जा, तेरा नाम स्कूल में लिखवाऊंगी आज। हाँ माता जी। और वो कहाँ गया गोलू? गोलू। अच्छा हाँ। ए भाई गोलू बोल। चलो चलो जल्दी भाई, पढ़ने चलेगा गोलू। अरे इधर देख वीर सिंह, देखो वो गुरु महाराज बैठे हैं, उनको प्रणाम करना है हाथ जोड़ के। क्या कहना है मेरे को? गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। ये बात है, यही अभी लो। गुरु बाबा अरे चरणों में सुई पार हो। अरे बेकूफ क्या बोलता है, ऐसे प्रणाम करता कोई? तू खड़ा रहे, मुझे मर जाएगा। अरे मेरे को प्रणाम करना नहीं आता, सुन मेरी बात। मन का वो धन कहीं वो आपकी बार ये कहते, हे गुरु महाराज आपके चरणों में मत्था टेकता हूँ। ये बात, यही बात है। गुरु बाबा
अरे चरणों में बाछा बेचता हूँ। हे गुरु बाबा तेरे चरणों में बच्चा बेचता हूँ। अरे बेकू ऐसे नहीं बोलते मारे। अरे वीर सिंह ये भी नहीं कहा गया मारे बाबा। अरे मेरी बात सुन, अब की बार जा करके ये कह दे हे गुरु महाराज आपके चरणों में मस्तक टेकता हूँ। ले बैग पकड़ मेरो। हे गुरु बाबा कहो क्या कहना था। अरे अभी तो बताया था, भूल गो अभी भूल गया इतनी देर में। बोली गुरु बाबा थरे चरणों में ठोक। अरे बेबू मत्था टेकता हूँ ऐसे बोलते हैं। अब एक काम कर पढ़ लेगा इंटरव्यू तो करवा दिया तेरा। मन पिटवाऊंगा कितनी देर वाली बता। एक काम कर पढ़ लिए मैं जाऊं सु अब जाऊ उन्हें बैठना भी पड़ी। अरे मेरे कने नहीं बैठना गुरु, गुरु महाराज के पास बैठना है। भाई भूख लगा लिया गुरु का। ये मेरा पिताजी है। पिताजी ओ पिताजी। हाँ बोले। अरे पढ़ाई कर लो चल करके बैठ करके गुरु महाराज के पास। परिचय तो कर ले थोड़ा। ओ पिताजी बोले। हाँ बोले। निजारी इतनी जोर से बोला पेंट खराब हो जाएगी। हाँ आराम से बोल। ओ पिताजी बोले। मैं इतना लंबा तू इतना ठीक। मैं शर्ट कहाँ पे किस गया। फिर बोल। मैं शर्ट कहाँ पे किस गया। अरे तू चलता चलता किस गया। तेरे को लंबा गुरुजी बनाएंगे। आजा पढ़ के आएंगे दोनों। तने आई आवे है मन भी आवे है। गुरु बाबा कित बैठू। जा बैठ जाओ। उरे बैठू। आ मेरे सामने बैठो। उरे ना बैठू। गोलू के पास बैठ जाओ। गोलू बैठ जा रे गोलू। हाँ बोलो बाबा मन पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के मन पिटवारी बना दो। हाँ अरे पटवारी देखा कभी। हाँ देखा है। कैसा होता है। दो सी गोटिया हमारे खेत में चल रहा था पिटमारी। अरे पता नहीं क्या देख लिया। हाँ पढ़ाओ बोल। अरे सबसे पहले हाँ जी जो भी कार्य करते हैं हाँ भगवान गणेश का नाम लेते हैं। ओ बाबा मारी गणेश की लड़ाई हो रही तो मैं गणेश को नाम ना लू। अरे वो गणेश नहीं तो भगवान गणेश जी। ओ सुनालो बाबू। हाँ आठो भाई सुनालो बाबा को नाम तो लेंगा भाई। बोल बोलो। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशोत्थाय नमः। अरे बेकू पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है। ऐसे बोल ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चल अब तुझे गुरु की महिमा के बारे में बताता हूँ। बजा बाबा बोल। पढ़ो पढ़ो ए बालक वृंद। पढ़ो पढ़ो ए बालक वृंद। गुरु की महिमा बड़ी बुलंद। गुड़ की बेली बड़ी पतंग। क्या क्या उल्टे हद्दा बोल रहा है। कटते रहो। हाँ जी ढंग से बोल। हाँ जी चल मैं तेरे को बताता हूँ जिससे तेरी जबान टूट जाएगी। मेरी जबान टूट जाएगी। शाबाश गुड़की चेगाऊंगा। ढंग से बोलेगा तो भोलू की तरह अच्छी तरह बोलना जाएगा। भोलू ऐसे बोलता है। हाँ ढंग से बोलता है। अच्छा पहले भोलू भी ऐसे ही बोलता जैसे तू बोलता है। बोल बोलो। कूतू पूछू लरी लरी। मैं ठाटू कूटू तू मरी मरी। पता नहीं क्या क्या बोलता है। ओ बाबा मारा मारा ला गया बाबा। खड़ा हो। हाँ जी बोलो। छुट्टी होगी। कल तुझको एक श्लोक दिया था। हाँ और उस बोला था इसको घोट के आना। भाग जा बिचारे पिता को नहीं तो। क्या तू उसको घोट के आया बाबा। कल जो तुमने वो श्लोक लिख के नहीं दिया था। हाँ हाँ वीर सिंह अपना घर जाइए और बोला घोट के रहिए घोट के रहिए। मैंने क्या काम करो चूल्हा पर पानी चढ़ा के कागजी में घेर दी और घोट के पीगो याद करना। अरे बेकू पैसे नहीं हाँ जी उसको अच्छी तरह याद करना था। गुरु
बाबा वो तो मैं पी गया। अरे घोट के नहीं पीते बेकूफ, घोट के पीने का मतलब है उसको अच्छी तरह से याद करना। वो तो ना हो, वो तो ना हो मेरे याद में जब पी गो महाराज। चल तेरे को कोई और श्लोक याद है? हाँ सुनो श्लोक याद है। चल सुना कौन सा श्लोक याद है? वो है कट सर कट सर भट भ्या। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुरु बाबा अर्थ तुम कर लो मन कर लो पड़े को। हाँ तुझे पता होगा क्या है ये? मेरे को पता नहीं है। मेरी झोपड़ी है बाबा जी। अच्छा, और झोपड़ी पे कड़े टुंबे की बेल लगी है, उस पे इतना मोटा टुंबा था और उस पे रहती थी मेरी बेटी वो गिलम गटारी। और उसने, मैं अपनी चारपाई पे लेट रहा था, उसने टुंबे को काटा कट, मैंने लिखा कट और टुंबा चला सर, मैंने लिखा सर। नीचे बनी थी मेरी भेड़, उसके सिर पे गिरा भट, मैंने लिखा भट कट सर भट, और भेड़ करके भ्या, मैंने लिखा कट सर भट भ्या। ये याद किया ठीक है। हाँ जी, राम जी को ले जाओ परमोदवन में। ठीक है, इनको राजकुमारों को महलों में ले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ राजकुमारों। आओ, आपको मैं परमोदवन में ले जाता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। गुरु बाबा प्रणाम। आप महलों में जाओ। गुरु वशिष्ठ ने राज ऋषि एक राज ऋषि का एक ब्राह्मण के छह कर्म बताए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। माइक ठीक करते भाई, क्या तो कॉर्डलेस दे दे, आवाज भी नहीं जा रही आपकी बार। शाबाश, ठीक कर ले। मैं विश्वामित्र हूँ। मैं एक राज ऋषि हूँ। एक राज ऋषि एक ब्राह्मण के छह कर्म बताए। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना तो दान देना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना। इनमें से एक कर्म को आगे बढ़ाता हुआ मैं अभी यहाँ पर यज्ञ करता हूँ। यहाँ पर ये निर्जर ये नहीं दिखाई देता, शायद अब तलक जब मैंने यज्ञ किए हैं उनको निशाचर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आज ये मेरा यज्ञ शायद संपूर्ण हो जाए, क्योंकि आसपास कोई भी निशाचर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अभी मैं यही यज्ञ करता हूँ, हवन करता। गोरो तो कोर्डलेस दे दो भाई। हमारे इलाके में कोई भी जब तक जग हवन पूजा पाठ नहीं कर सकता, ये हमारे सरकार का हुक्म है। तुमने मेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ठहरो, अभी मैं तुम्हारी मौत को लेकर आता हूँ। हमारी मौत को या खुद अपनी मौत को लेकर आएगा? ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। ठहरो, अभी मैं तुम्हारी मौत को लेकर आता हूँ। मुझे पता चला है कि भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है। अभी मैं तुम्हारी मौत को लेकर आता हूँ। चला जाओ वरना तेरी खाल को तार कर भूसा भर देंगे। ठहरो, यही पर्दा खींच, यही ठहरना। अभी मैं अभी आपके सामने विश्वामित्र जी वहाँ पर यज्ञ करते हैं, जिनको राक्षसों के द्वारा विध्वंस कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है। तो विश्वामित्र जी
राजा दशरथ के पास उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपनी सहायता लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा सीन है, कृपया शांति का परिचय देते हुए आनंद भाई धन्यवाद। अभी मुझे अवधपुरी चलना चाहिए और राजा दशरथ से मिलना चाहिए। हेलो प्रणाम ऋषिराज। आनंद करते रहो मंत्रीवर। मंत्रीवर जी ऋषिराज। राजा दशरथ से कहो कि बाहर विश्वामित्र आए। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिराज। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। आनंद करते रहो मंत्रीवर। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो मंत्रीवर। हे महाराज। कहो मंत्रीवर क्या बात है। गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और वो दरबार में आने की आज्ञा मांग रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। हाँ महाराज। अरे जाओ उन्हें आदर सहित हमारे दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। मुनि आगमन सुना हो तब राजा मिलन गए ले विपर समाजा। चलिए ऋषिराज। चलिए। प्रणाम ऋषिराज। आनंद करते रहो राजन। आनंद करते रहो। आओ ऋषिराज आपका आने का क्या कारण है। बैठिए आसन ग्रहण कीजिए। आइए ऋषिराज आइए। आइए आइए आप भी बैठिए। कैसे आना हुआ हे ऋषिराज आपका कैसे आगमन हुआ। हे राजन मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट कर देते। दुष्टों के अत्याचारों से मैं भय खा कर घबराया। शाबाश। रक्षा सहायता दो चीजें मैं लेने तुमसे आया। दे दीजिए मुझे राम लखन जो तुम्हें प्राणों से प्यारे हैं। धरती का भार उतारण कारण अवतार जिन्होंने धारे। नहीं नहीं मुनिवर आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। मैं राम लखन को आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते ये लड़ने में है अनजान निरे। लो राज पाठ संपत सेना ये देना मुझे दुश्वार नहीं। तुम कहो तो मैं चला चलूं इसमें मुझे कोई इनकार नहीं। हे मुनिवर जितने साधन सभी साधन समर्पित हैं, जितने साधन शासन के हैं, हे मुनिवर विचार कर वचन कहो। सुत चारों चौथे पन के हैं, है राम सुख धाम मेरा जिसका विरह गवारा है। है घर की वही चांदनी जो मेरा एक सहारा है। वैसे तो चारों पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं लेकिन राम लखन मेरे मेरा एक सहारा है। हे मुनिवर मैं राम लखन आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। हे मुनिवर किसी भी कीमत पर नहीं। तू मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं है। अरे दशरथ जैसे ज्ञानी को शाबाश। ऐसा विचार सोता है सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन। अरे कुछ दिनों के लिए देने में
इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि 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 विष्णु से मैं जाकर कहता, छोड़ चल देते गरुड़ वाहन, शंकर से फरियाद मैं करता, तो हिल जाता उनका भी आसन। मैंने तुमसे राम लखन मांगे, हृदय को तेरे दर्द हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब मिला मिलाया नष्ट हुआ। राजन तू अपने धर्म पर नहीं है, अरे भूल बैठा कि ये पुत्र, ये दोनों पुत्र तो साधु महात्माओं की देन है। राजन आज यदि राजा आज जीवित होते तो तुझ पर लज्जित होते। आज तूने राजा दिलीप के यश को मिट्टी में मिला दिया, जिसने जिसने जानवरों की खातिर अपने शरीर का मांस काट काट कर जानवरों को खिला दिया। अच्छा राजन मना करता है, अब जाओ राजन अपने महलों को जाओ और जाकर आराम करो, विश्वामित्र का आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। अब जैसे भी बनेगी अपने आप बनाऊंगा, तुझ कायर के द्वारे पर फिर कभी नहीं आऊंगा। अब मुझे ना तो तेरी फौज की दरकार है, ना तेरे पुत्रों से कोई सरोकार है। अब जैसे भी बनेगी आप बनाऊंगा, तुझ कायर के द्वारे पर फिर नहीं आऊंगा। जाते जाते तेरी इस नगरी को भस्म कर जाऊंगा। शाबाश। ए ऋषिराज, ये राजन आपके बारे में जानते नहीं है, आप कितने महान हैं। मैं राजन को अभी समझाता हूँ। ठीक है गुरुवर, नहीं तो अभी अनर्थ हो जाएगा। हे राजन। कहो गुरुदेव। ये ऋषिराज बहुत ही ज्ञानी है, ये शास्त्र व शस्त्र विद्या में बहुत निपुण है। अगर आप राम व लक्ष्मण को इनके साथ भेजेंगे तो कुछ न कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें सीख के आएंगे। आप निसंकोच राम व लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए। हे गुरुदेव, मैं सो रहा था मोहो नींद में, मैं सो रहा था मोहो नींद में, शाबाश, आकर तुमने जगा दिया इस भटके हुए दशरथ को, तुमने रास्ता दिखा दिया। हे गुरुदेव, आप मेरे कुल के गुरु हैं, मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। मैं आपके कहने पर दोनों राम लखन को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। जाइए, हमारे पुत्र राम और लखन को आप लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम तात्री। हे श्री राम जी, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम और लखन लाल, आपको महाराज ने दरबार में याद किया। चलिए तात्री। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। आनंद करते रहो। प्रणाम पिताश्री। आनंद करते रहो वत्स। हे पिताश्री, आपने हमें इस दरबार में किस कारण से बुलाया है? आपका हमें बुलाने का क्या तात्पर्य है? हे पुत्र राम, ये विश्वामित्र जी जब यज्ञ हवन करते हैं तो राक्षस लोग इनके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शाबाश। ये बड़े परेशान हैं, इसलिए ये आप दोनों को हमसे आपको लेने के लिए आए हैं। आप जाइए और इनकी वहां रक्षा कीजिए। हे पिताश्री, ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आपकी आज्ञा का अनुसरण और गुरु चरणों की सेवा दोनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं कितना बड़भागी हूँ। आप आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव।
हे पिताश्री। हेलो आज्ञा दीजिए हे महाराज, अब हमें युद्ध करने को जाए। आज्ञा दीजिए हे महाराज, अब हमें युद्ध करने को जाए। आज्ञा दीजिए हे महाराज, करने को जाए। मेरे पहने पहने बाण मैंने लिए धनुष पैतान, मेरे पहने पहने संकोच न करें, हम ऋषि राज के साथ अवश्य जाएंगे। ठीक है पुत्र। हे मुनिवर, लो हाथ में हाथ, ये बालक भोले भाले हैं, ये फिकरा तुम्हें याद रहे, ये बड़े नाजों से पाले हैं। हे वत्स, आप इनके साथ जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। मैं आपके दोनों पुत्र ब्याज व मूल्य सहित वापस करूंगा, ऐसा विश्वामित्र का वचन है। शाबाश। ठीक है मुनिवर, हे वत्स, जाइए। प्रणाम पिताश्री। आइए गुरुदेव। चलो पुत्र। हेलो, अभी आपके सामने विश्वामित्र जी के साथ राम और लखन दोनों भाई जाते हैं, और जो उनका यज्ञ विध्वंस करते थे उन राक्षसों को देखते हैं। कृपया सभी को बता दें, काफी तारखा का काफी समय बाकी है, और उसके बाद तारखा वध के बाद भी तारखा का यहाँ पे बहुत ही अच्छा नकली का और गाने के रूप में आपको सीन देखने को मिलेगा। इसलिए शांति का परिचय दे, लीला को 11:30 बजे समापन कर दिया जाएगा। तो सभी माता बहनों से अनुरोध है, काफी समय है, उसके बाद जनक दरबार भी आपको मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। लीला प्रारंभ करें। शाबाश। हे गुरुदेव, चलिए हम आपके आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो पुत्र, चलो। बतलाइए गुरुदेव, आपकी कुटी को कौन सा मार्ग जाता है? बच्चों शांत रहो, शांत रहो।
हल 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 हे पुत्र हल हल यहाँ से रुको संवाद सुनो भाई पहले यहाँ से मेरी कुटिया को दो रास्ते जाते हैं पुत्र हे ऋषिराज दो मार्ग वे कौन कौन से हैं एक छह मास का है और एक तीन रोज का है हे गुरुदेव हेलो ये कैसा भेद है एक मार्ग छह महीने का और एक केवल तीन दिन का इसका यहाँ से मेरी कुटिया के दो रास्ते जाते हैं रुको भाई हे गुरुदेव Oh, my God.
कृपया बैठ जाएं, सभी को अभी तारका का वध मंच पर दिखेगा, शांति से बैठे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, तारका वध के बाद भी रामलीला काफी बाकी है। तारका वध के बाद नकली का और जबरदस्त गाना रोमांच का आपको मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। दोनों आपके अच्छे कलाकार हैं, आपके बेटे हैं। कृपया करके शांति का परिचय देते हुए इस संवाद को सुनो, तारका और राम के बीच में क्या बात होती है। शाबाश गुरुदेव, ये सामने किसका मुकाम है? ये मरीच की माता तारका का कयाम है। क्या सुनो भाई, शाबाश। वो भी अपने बच्चों की तरह बदकार है? वह तो उनसे भी बड़ी मक्कार है। हे गुरुदेव, ये एक स्त्री है और स्त्री पर हम रघुवंशी कभी प्रहार नहीं करते, यह पाप है, इसको मारना ही इंसाफ है। चलिए गुरुदेव, आगे कदम बढ़ाएं। नहीं, आगे बढ़ने से पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगा। हे गुरुदेव, ये राक्षसी है, ये बड़ी मायावी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये कहीं छल कपट ना कर दे, इसलिए आप लक्ष्मण के साथ रहे। लक्ष्मण हो भैया, तुम गुरुदेव के सेवा में तैयार रहना। जो आज्ञा। चल, मरने के लिए तैयार हो।
तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। अरे बदकार, अरे तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। आज नहलाऊंगी तुझको तेरे खून से। अरे तेरा घमंड आज मैं सारा यहाँ मिटाऊंगा, अपने बाणों से तुझे यमलोकपुरी पहुंचाऊंगा। शाबाश, चल मरने के लिए तैयार हो। देखते हैं किसकी मौत आती है। हे गुरुदेव, आपके पुत्र राम ने इस राक्षसी का संहार कर दिया, अब हमें अपनी कुटी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चलो पुत्र। चलिए गुरुदेव। अच्छा हुआ आज इस राक्षसी का संहार। कृपया शांति से सुने सभी दर्शक, अभी आपके सामने ताड़खा का जो वध हो जाता है, मारिच और सुभाव जो इनके पुत्र हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं होता और वो अपने महलों में अपनी जगह पर भोग विलास की भावना करते हैं। अच्छा ही, बहुत अच्छा सीन है। कर्ण बेटा तैयार हो लिए। उसके बाद जब उनको पता चलेगा मारिच के द्वारा, सुभाव के द्वारा, अकितार का हमारी चाची का वध हो जाता है, तो वहां पर जाकर आपको मंच के माध्यम से बहुत ही अच्छा सीन गाने के रूप में अच्छी नकल का रोल।
बंद करो नाच गाना। बंद कर। कल तेरे को एक बिलौजी नाम दे दिया। अरे बहादुर सरकार, हमारे राज्य में हाँ जी क्या किसी चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है सरकार। क्या कोई दुखी है? कोई दुखी नहीं है, मगर सरकार भूख बहुत लगी है। क्या कहा? हाँ सरकार भूख लगी है। जी हाँ। अरे भूख तो हमको भी लगी है। आया समय पर याद आया, अरे हमारी माता का पता लगाओ, हमारी माता ताड़का हमारे लिए शिकार लेकर आती होगी। अगर शिकार लेके नहीं आई तो हम उसका दूध पिएंगे। बहुत अच्छा, उनका पता लगाया जाए। पता लगाओ हमारी माता का कहाँ है। जो क्या भाई? हाँ भाई जर्नेल। हाँ भाई कर्नेल। चलो चलो चलो, सरकार का हुक्म है। पर्दा खींच भाई, जाती तारका का पता लगाना है। हाँ। तेरे को कोई गाना आता है? बारिश के द्वारा गाना आता है? गाना सुभाऊ उनके भाई को मंत्री के साथ तारका के बारे में पता लगाने के लिए भेजते हैं और वहाँ पर बन में रुको जी पंडित जी, पहले आप गाओ। जाति का तारका का पता लगाएंगे और मस्त में चलते और गाना गाते चलते हैं। चलो आ झूम बराबर झूम शराबी है मैं खाने में, अरे झूम 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 बराबर झूम शराबी झूम बराबर। आजा ये गाना बढ़िया नहीं है, कोई और गाना आता तेरे को? चलो चाची को तारका को तलाश करते हैं, आइए मेरे साथ। चलो गौरव गौरव, ओहो ये देखो चाची तारका, अरे दो चार भैंसे खा गई होगी, आराम से सो रही है, इसके जगाएंगे और बुलाएंगे फिर। जगाओ भाई, चल चल भाई दरने। हाँ भाई, ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चाची के पेट में कोचरा करेगा? जरनेल भाई। हाँ भाई, यो चाची का सूंड लाल लाल हो रहा से, मने लग गयो चाची का सूंड पाड़ लिया। ए चाची। अरे जर्नेल भाई। हाँ भाई, यो देख चाची का सारा मोबाइल बघेर दिया। सारा मोबाइल बघेर दिया। चाची को जो पंचर ही कर रखा है भाई, तेरे रोड हाउस है। थोड़ा सा तू रो ले, थोड़ा सा मैं रो लूंगा। आजा झूक लगा ले, आंसू ना झूक लगा दे आज। ओए मारी चाची मर गई रे। ए ए मारी चाची। ये आइए रामू की बहू। ये आए हे या दूसरी सुशील लांडा की बहू से। आइए लांडा की बहू आकाली आ जा। ए चाची ए चाची ए चाची, ए चाची तू बहुत दिन नाची। ए तू रोटी खा ले चाची। ए मां चाची ए चाची हाय 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 हाय। हाय हाय चाची तारका, हाय हाय चाची तारका, हाय हाय चाची तारका, हाय हाय चाची तारका। चाची तने बहुत गड़े खाए केड़े चमड़े, तना रोवे बंसी बामण चाची तारका। सुशील रंडा चाची तारका, हाय हाय चाची तारका, हाय हाय चाची।
सरपंच तो न रोए गोविंद सरपंच चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय चाची तेरी सारी पार्टी की जर्सी तो न रोए बामण नरसी चाची सुमार रतन रोए महेंद्र कुमार चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का चाची तने खूब चलाया पंजा तने रोए रमेश गंजा चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची सब तीर तना रोए प्रिंटिंग वाला सुखबीर चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का चाची तना बहुत चलाए सिंह तना रोए गड्डी वाला नरसिंह चाची ताड़का हाय हाय चाची तने बहुत बहुत उड़ाई बाछी और तने तने रोए सारे खाती चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का ए चाची तू बहुत गा खा गई खीर तने रोए सारे चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का ए बड़ा तो भूख लागई चाची तने खूब खाई उलास अरे तने सो रोए मरा सुरदास चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का हाय हाय चाची ताड़का आए भी रुबड़े की बहू हां चाची कितनी पतली होगी पहले तो सरपंच की गंभीरता में भी ना गिरती ए ई बना ई देख ई घणी बार होली है देखी मैं ना मैं जासू अरे रुवाई के पैसे दे जल्दी कर ए रंड थार मरेगा जब हम रो लिया मारो पर्दा खींच भाई एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें शाबाश अभी आओ शंकर की बहादुर अरे बहादुर सरकार क्या तुमने माता ताड़का का पता लगाया जी हाँ क्या पता लगाया सरकार चाची ताड़का फोट हो गई क्या हो गई फोट हो गई फोट हो गई जी हाँ इसका क्या मतलब है चाची मारी गई चाची मारी गई जी हाँ अरे वो कभी नहीं मारी जा सकती उसमें 10,000 हाथियों का बल है सरकार कोई 11,000 हाथियों का बल वाला आ गया और चाची का पेट में कोतरा पार कर गया आपका संदेश गलत सरकार चाची का सारा मोबाइल बखेर दिया हाँ। अरे बेवकूफ ढंग से बताओ क्या बात है चाची मारी गई सरकार चाची का सूंड भी पाट लिया अरे बेवकूफ ऐसे नहीं बोलते वो हमारी माँ थी सरकार के बताऊ गुंडाल करके मार दी ठीक है चलो हमारी चाची को किसने मारा है वो बैरी आज हमारा है पता लगाए उसका पता लगाओ चाची को किसने मारा है जनरल कहो भाई कर्नेल कड़क में हो जा हो गया एक कहाना मर्डर कर दिया किसी ने अरे बकवास मत कराओ जल्दी जाओ
पता नहीं क्या बकवास करने लग जाते बीच बीच में। कर्नल कहो भाई कर्नल, चलो पता लगाएंगे कौन है जिसने चाची को मारा है। चलो पता लगाओ। राम लक्ष्मण, सरकार इधर लगता है कुछ, इधर कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। इस कुटिया के अंदर से कुछ खुशबू आ रही है, जैसे कोई घी जला रहा हो। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। देसी घी, चलो भाई खोलो। प्रणाम गुरुदेव। लक्ष्मण तुम अपने बराबर पहरे पर रहना। ठीक है भैया, चलो अब चलते हैं। चलो डैड, किसने मारा चाची को? वाह दुश्मन हमारा है। भाई मामला गड़बड़ है, अभी मैं आ रहा हूं और इनसे अभी पूछता हूं। डरमत, पूछ क्या? डरमत, इसको सही लगा। डरमत, हाजी। कहिए बंधुवर। जय शंकर के। जय शंकर की। बड़े सुथरे राजकुमार हो। एक दो तीन। हाँ भाई, कौन हो? मैं राजा दशरथ पुत्र राम हूँ। आम है? अरे आम नहीं, राम। अच्छा, कर्नल। कहो भाई कर्नल। एक मिनट, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। सही नाम लिखना, अभी बताता हूँ। डरो मत, हाजी डरो मत, कुछ नहीं कहूंगा आपको मैं। अच्छा, हाँ डरिए मत, कोई बात नहीं। आपको यहाँ कितने दिन हुए हैं? हमें चंद लम्हा हुए यहाँ। लिख, तीन दिन हुए हैं। क्या लिखा? तीन दिन। पढ़ता नहीं, शाही खत्म हो जाए तो ऑर्डर ना मुंह में डबोलिए। हाँ एक साइड हो जा। हाँ जी, तीन आज तीन दिन हुए हैं। हाँ जी। अच्छा तुमने, तुम्हारा नाम? मेरा नाम राम है। राम लिख भाई, राम लिख। राम आम, आम लिख। आम लग रहा सुरेली, दूसरी कौन सा आम दे? अरे आम नहीं भाई, राम है। राम लिख यार, मरवाएगा तू मेरे को। अरे मैंने तो लंगड़ा आम लिख दिया। अरे राम लिख यार, गलती हो गया है तो गलता बनाता है। और ये आपके साथ कौन है? और कौन है मेरे साथ? हाँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लिख भाई, छह मन। छह मन? अरे बंधु, हाँ छह मन नहीं, हाँ लक्ष्मण है। हाँ वही लिख ले तू, छह मन कर मेरे यार। और कौन है? लिख लिया। और हमारे गुरुदेव विश्वामित्र है। भयंकर वो देख कैसे करना देख रहा है। इसकी दाढ़ी मैंने पहले पाड़ी थी और इसको कहा था मेरे इलाके में जब तक मत करना। भाई जर्नेल, तुमने कोई गड़बड़ काम किया है? हमने कोई गड़बड़ नहीं की। फिर भी कुछ किया हो? अरे हमने तो एक राक्षसी को संघारा है। जर्नेल शाबाश जर्नेल। अरे फैसला हो गया यार। क्या? मैंने पूछा किसी ने किसको आपने मारा है? बोला एक औरत को मारा है, एक राक्षसनी को। औरत तो अपनी चाची थी। जर्नल इनने एक बार बताओ भाई, अपनी चाची का मोबाइल बखेर दिया। ठहर मोबाइल, आराम से बात करना, करना मत। आदमी बड़ा चालू लगता है। क्या पूछ करा? जिस औरत के आपने मारा उसके सिंह थे? जा पूछ क्या। ए, ये क्या कर रहा है? शाबाश सुमित। हाँ जी। राम राम भाई, आनंद करते रहो। तुम कौन हो? मैं अयोध्या राजा दशरथ का पुत्र राम। ओए वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुमने कोई नुकसान किया है? अरे नुकसान नहीं, नुकसान होता है। नुकसान होता है? हाँ
तो किसी को मारा हो? हमने तो एक राक्षसी का संहार किया है। चाची का सुंड पाड़नी आयो है। शाबाश। अरे भाई वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव विश्वामित्र है। अच्छा वैश्वामित्र? अरे विश्वामित्र। विश्वामित्र तुम बताओ यहाँ पर किस कारण से आए हो? अरे हमारी चाची को किसी ने मार दिया है। ध्यान ठीक दिए? पता करने आए थे। सही ध्यान दे तो रहा। तुमने जिस औरत को मारा क्या उसके सींग थे? अरे भाई स्त्री को कभी सींग नहीं होते। हाँ? स्त्री को सींग नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हाँ भाई जर्नेल। भाई जर्नेल। भाई वो तो कह रहा कि उस औरत को सींग नहीं होते। तने देखे कभी औरत के सींग? नहीं। क्यों क्या पूछने के लिए? रो बना। भाई रोने से काम नहीं बनेगा। इनसे कह दो हमारे सरकार है, अब मैं ऑर्डर देता हूँ उनको खड़े हो जाओ। दो मिनट रुक। हाँ लक्ष्मण के यही तोड़ दूंगा। अभी हमारे सरकार आएंगे और इस वैसा मूत्र की तो चटनी बनाएंगे। अभी जाता हूँ और मेरे सरकार को लेकर आता हूँ। जाइए हमें किसी का डर नहीं है। अरे भाई भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें देख करके। जाइए जाइए अपने सरकार को लेकर के आइए। यार बड़ा चलो भाई कर्नेल, अपना रास्ता नापिए। लड़ाई करोगे? पक्की बात है। चलो हम जा रहे हैं अपने सरकार के पास। सरकार को अभी आपके सामने मारिच। ओ सरकार अभी मालूम हो जाएगा इनका। हेलो ये राक्षस बड़े दुराचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं। शाबाश। आज मैं इनका खात्मा यहीं पर करूंगा। राम महाराज आनंद करते रहो। सरकार जय शंकर। जय शंकर की। क्या तुमने पता लगाया? जी हाँ। हमारी चाची को किसने मारा? महाराज अवधपुरी राजा दशरथ के बुढ़ापे में चार पुत्र हुए, दो को घर में रखा, दो को काल के मुख में भेज दिया। वो भैंसा मटर है ना, भैंसा मटर, वो दो लाल लाया है। भैंसा मटर नहीं विश्वामित्र। हाँ वही वही दो लाल लाया है। चलो अब उनको मजा चखाते हैं। आओ। उन्हीं ने चाची को मारा है, यही आदेश हमारा है। हाँ जी हाँ जी। क्या यही है? ये अरे एक औरत को कत्ल कर उछल रहो रणवीर, अरे बचकर कहाँ जाएगा आप ऊंचा मारी। अरे क्यों ज्यादा बकबक करता है, रख जुबा को बंद, माता तो तीर चला चुकी, अब आए हैं फरजंद। अरे आप ऊंचा मारी, तुझे पता नहीं आई मैं तुझे शमशान पहुंचाऊंगा। अरे अब आए हैं फरजंद बहुत, खुद की सेखी बतलाता है, बेईमान बदजुबान क्यों सर पे चढ़ता जाता है। अरे जालिम तूने किए हरकत, तेरे सर पर मौत चढ़ी और जीने से बेजार हुआ, तेरी मौत से आग लड़ी। अरे तेरे इस दुर्व्यवहार को मिट्टी में आज मिलाऊंगा, अपने बाणों से तुझे यमलोकपुरी पहुंचाऊंगा। अरे सांप के मुंह में उंगली देवे, तेरी इतनी जुर्रत बड़ी, अदम के रास्ते आज चला और तेरी मौत से आग लड़ी। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए, कोई छुई मुई के पौधे नहीं जो हाथ लगाने से मुरझा जाए। अरे अभी चखाऊ मजा तुझे मैं राजकुमार कहलाने का मेरे इलाके में।
ऊपर हाथ उठाने का। शाबाश। अरे बकबक करता रहता है, तुझको मैं बतलाऊंगा, अपने एक बाण से 100 योजन पार पहुंचाऊंगा। अरे पता चलेगा तुझे अभी माता का खून बहाने का, और अब मैं तुझे शमशान पहुंचाऊंगा। सरकार, अरे मरने के लिए तैयार हो जा। सरकार, उस लक्ष्मण दौर ना जाइए, वो टूटू गणी करे है। अरे बेवकूफ, बकवास मत कर, लड़ाई कर। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, मैंने इस मारीच को एक बाण में ही लंका में पहुंचा दिया है, अब आपकी क्या क्या है गुरुदेव? हे पुत्र, आज इस ताड़क वन से सब दुरात्माओं का संहार हो गया। अब यहाँ पर सभी साधु महात्मा बड़े आराम से रहेंगे। हे पुत्र, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन दुरात्माओं को जो तुमने संहार किया है, इसके लिए पुत्र मैं तुम्हें आज ऐसा बाण देता हूँ। शाबाश। इस बाण का तुम प्रयोग करोगे, यह तुम्हारे शत्रु का संहार करके वापस तुम्हारे तर्कस में आ जाएगा। लो पुत्र, इसे ग्रहण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, अब हमें अपनी कुटी में प्रवेश करना चाहिए, और आप थक चुके होंगे, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। ठीक है पुत्र। चलिए गुरुदेव। चलिए। अभी आपके सामने राजा जनक का दरबार, जहां पर राजा जनक अपने मंत्री से वार्तालाप करते हैं और अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के बाद। पुत्री सीता शिव धनुष की पूजा में लीन थी। बाहर जाने से पहले हमने सोचा क्यों नहीं शिव धनुष के दर्शन कर लिए जाएं। हम वहां क्या देखते हैं, हमारी पुत्री ने शिव धनुष को अपने हाथों में उठा रखा था। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं सकते, उस शिव धनुष को हमारी पुत्री ने हाथों में उठा रखा। हम बहुत अचंभित हुए। उसी समय हमने मन ही मन में प्रण किया, जब भी हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे तो स्वयंवर चाहेंगे, और उसमें यह शर्त रखेंगे, जो भी शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीतापति कहलाएगा। हे मंत्रीवर। जी महाराज। अब वह समय आ चुका है, देश देशांतर में जितने भी राजा लोग हैं सभी को निमंत्रण भेजिए और हमारी शर्त के बारे में बतलाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विश्वामित्र भी, हमने सुना है विश्वामित्र भी वनों में आए हुए हैं, अपने 88,000 चेलों के सहित। आप उन्हें भी अवश्य ही निमंत्रित कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है मंत्रीवर, जाइए। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो। शाबाश। मंत्री जी ऋषि मुनि विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, जहां पर राम और लक्ष्मण भी उपस्थित हैं, और उनको सीता स्वयंवर के बारे में बताते हैं, और अपने साथ 88,000 चेलों के साथ आमंत्रित करते हैं। बहुत ही अच्छा सीन है, कृपया शांति का परिचय दे, लीला का आनंद उठाए, लीला प्रारंभ करें। शाबाश। प्रणाम राजकुमार। आनंद करते रहो।
हे राजकुमार, मैं जनकपुरी से आया हूँ। मुझे महाराज जनक जी ने भेजा है, मैं गुरु विश्वामित्र जी से मिलना चाहता हूँ। आप ठहरिए, मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर आ भी आता। ठीक है राजकुमार। प्रणाम गुरुदेव। आनंद करते रहो। प्रणाम भैया। कल्याण हो। गुरुदेव, आया जनकपुरी से मंत्री, लाया कोई संदेश है, मिलना चाहता है आपसे, मेरे लिए क्या आदेश है? शाबाश पुत्र, मंत्री वर को मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए मंत्री वर। चलिए, प्रणाम ऋषिराज। आनंद करते रहो मंत्रीवर। हे ऋषिराज, आपकी कृपा से महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचने की सोची है। हे गुरुवर, उन्होंने आपको आपके 88,000 चेलों सहित वहां पर निमंत्रण भेजा है आने के लिए। हे गुरुवर, उनके निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। शाबाश। तथा मुझे कृतार्थ कीजिए। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है। हम अति प्रसन्न हुए। आप हमारी तरफ से उन्हें समाचार देना कि हमने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है। हम अपने 88,000 चेलों सहित स्वयंवर में जरूर पधारेंगे। ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुवर। आनंद करते रहो। आनंद करते। हे पुत्र। कहिए गुरुदेव। अब मेरा यज्ञ भी संपूर्ण हो चुका है। शाबाश। और सब दुरात्माओं का संहार हो चुका है। मैं सोचता हूँ, मैंने तुम्हारे पिता राजा दशरथ को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सकुशल उनके पास पहुँचाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अवधपुरी छोड़ाऊं। हे गुरुदेव, श्री चरणों की सेवा का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, हम कुछ दिनों तक इन्हीं श्री चरणों की और सेवा करना चाहते हैं। हमें राज महलों में तो रहना ही है, किंतु हे मुनिवर, हम आपके साथ उस महान धनुष यज्ञ की शोभा को देखना चाहते हैं। मुनि, आप कह दो तो हम जनकपुर होते चले। मुनि कह दो जनकपुर होते चले। मुनि कह दो जनकपुर होते चले। मुनि कह दो जनकपुर होते चले। राजा जनक के घर खूब जुड़े हैं। राजा जनक के घर
के घर कुआरी कन्या उसके भी दुखेड़े भरते चले मुनि कह दो जनकपुर होते चले मुनि कह दो जनकपुर होते चले तुलसीदास आस रघुवर की तुलसीदास आस रघुवर की उनकी भी सेवा करते चले मुनि कह दो जनकपुर होते चले मुनि कह दो जनकपुर होते चले हे ऋषिराज हे मुनिवर अगर हमें आज्ञा दें तो हम आपके साथ जनकपुरी चलना चाहते हैं। ठीक है पुत्र ये स्वयंवर जो रचाया है वो तुम लोगों के लिए ही बनाया है हमें तो बस शोभा देखने के लिए बुलाया है चलो पुत्र चलो चलिए गुरुदेव चलिए आश्रम एक देख सुंदर ये आश्रम प्रतीत हो रहा है किंतु ये क्या इसमें न कोई जीव है न कोई जंतु प्रतीत हो रहा है पूजा मुनि शिला तप देखी पूजा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि में ये एक शिला दिखाई देती है जिस पर स्त्री के पद चिन्ह नजर आ रहे हैं हे गुरुदेव ये क्या कारण है क्या भेद है हमें बता दीजिए गौतम नारी साप पस और उपल दे चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर राम चंद्र की जय हे पुत्र ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो अपने पति के श्रापवश शिला बन पड़ी शाबाश हे पुत्र अपने चरण कमल की रज से इसका उद्धार करो पुत्र इसका उद्धार करो क्या गुरुदेव आपने ही हमें बतलाया कि ये एक गौतम ऋषि की पत्नी है और एक ब्राह्मण कन्या है किंतु हम क्षत्रिय वंश में हैं, हे गुरुदेव यदि मैं इन्हें अपने चरण लगाता हूँ तो इससे हमें दोष लगेगा सम्रति को नहीं दोष को साई सम्रति को नहीं दोष को साई रवि हे पुत्र राम सामर्थ को कभी दोष नहीं लगता जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सज्जन व दुर्जन पर समान रूप से पड़ता है सूर्य के प्रकाश के दुर्जन पर पड़ने से सूर्य के प्रकाश को कोई दोष नहीं लगता पुत्र उसी प्रकार गंगा नदी में सभी प्रकार के लोग स्नान करते हैं सज्जन भी और दुर्जन भी गंगा नदी में यदि दुर्जन स्नान करता है तो गंगा नदी को इसका कोई दोष नहीं लगता अग्नि में सज्जन व दुर्जन का दाह समान रूप से किया जाता है दुर्जन के दाह से अग्नि को कोई दोष नहीं लगता और पुत्र तुम्हें तुम तो सामर्थ हो आप तो जगत का आधार हैं फिर आपको भला कोई दोष नहीं लग सकता क्योंकि आप जगत के आधार हैं इस जगत के तारण
हार जो आ गया गुरुदेव। मैं नारी अपावन सब जग शाबाश प्रभु सुखदाई राजीव विलोचन भव में मोचन पाई पाई शरणाई। माइक दे भाई। हे महाराज मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ। आज मैं बड़ी भागशाली हूँ जो कि अपने पति के श्राप से के कारण मैं आपके दर्शन पा रही हूँ। विनती प्रभु मोरी मैं पति मोरी मांगना हरमाना पदम परागा रस अनुरागा यही लाभ शंकर जाना। हे महाराज मैं मति की मंद हूँ और हृदय की बहुत भोली हूँ। मुझे ये वरदान दीजिए मेरा भावरूपी भावरा रूपी मन आपके चरणों में बास करे और महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे देवी तुम सच्ची पतिव्रता नारी हो तुम्हारा सदा कल्याण होगा। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे उसी प्रकार तुम्हारा नाम अजर और अमर होगा। हे देवी अब आप अपने पति धाम को जाइए। प्रणाम प्रभु कल्याण हो। प्रणाम प्रभु प्रणाम। पर्दा खींच भी विसर्जन कर। कल आपके सामने सीता सम्र की लीला दिखाई जाएगी और बहुत ही अच्छे बाणासुर रावण का संवाद होगा। आज के लिए बोलिए नगर खेड़े की जय हो। आज के आनंद की जय हो।